वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में हम चैप्टर की समरी करेंगे कि इस चैप्टर में किसके बारे में बात की गई है और ये चैप्टर किसने लिखा है। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये किसने लिखा है? बाय खुशवंत सिंह ने लिखा है। इस चैप्टर में खुशवंत सिंह क्या कहना चाह रहे हैं? इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह ड्रॉज अ लाइफ लाइक पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में लिखा है। ही हैड इंटीमेट रिलेशन विद हर सिंस हिज चाइल्डहुड। उन्होंने बताया कि उनका बचपन में कैसा रिलेशनशिप था अपनी दादी के साथ। देयर फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन वेन दे हैड मूव टू द सिटी। और उनकी फ्रेंडशिप कब टूटी? जब वो सिटी मूव हो गए। द इंग्लिश स्कूल साइंस एंड म्यूजिक डिडंट अपील टू हर। जो इंग्लिश स्कूल था और साइंस था और जो म्यूजिक था वो वहाँ पे पढ़ाया जा गया म्यूजिक खुशवंत सिंह की दादी को ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। द नरेटर वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। और जब उनकी स्टडीज कंप्लीट हुई तो वो हायर स्टडीज के लिए कहाँ चले गए? अब्रॉड चले गए। His arrival after 5 years from abroad was an occasion for celebration. जब वो अब्रॉड चले गए तो अब दादी के पास उनकी ग्रैंड मदर के पास कुछ करने के लिए था नहीं, तो वो सब हम करेंगे कि उन्होंने उनकी एब्सेंस में किस तरीके से अपने टाइम को स्पेंड किया। और जब वो वापस आए, जब 5 साल बाद वो पढ़ाई करके वापस आए, तो उनकी दादी ने उनके अराइवल को कैसे सेलिब्रेट किया। द ओल्ड लेडी टायर्ड हरसेल्फ एंड फेल इल। जो दादी थी, उनकी ग्रैंड मदर थी, वो क्या हो गई? उन्होंने अपने आप को इतना थका लिया और वो बीमार पड़ गई। हर डेथ वॉज बॉर्न नॉट ओनली बाय नरेटर्स फैमिली बट ऑल्सो बाय द स्पैरोज हुम शी फेड रेगुलरली इन द आफ्टरनून। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो दुख सिर्फ नरेटर की फैमिली को ही नहीं था लेकिन हजारों स्पैरोज को भी था, चिड़िया को भी था, जो जिनको दादी जो थी खुशवंत सिंह की हर दोपहर को खाना खिलाती थी, दाना खिलाती थी। तो ये उनकी फ्रेंडशिप कैसी थी, उनकी फ्रेंडशिप में कौन कौन से उतार चढ़ाव आए, और जब वो अब्रॉड चले गए तो उन्होंने अपना टाइम कैसे स्पेंड किया, और उन्होंने अपने स्पैरोज से उनकी कैसी फ्रेंडशिप थी, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। कि खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में लिखा है कि वो कैसी थी, क्या करती थी, उनको क्या चीजें पसंद थी और वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करती थी। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला जो आता है, पेन पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंड मदर। इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी द राइटर ड्रॉज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताया है कि उनकी ग्रैंड मदर भी जैसे दूसरों की ग्रैंड मदर होती है वैसी ही थी। शी वॉज अ ओल्ड वूमेन, वो बुजुर्ग महिला थी। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट वन शी हैड बीन यंग एंड प्रिटी। ये यकीन करना मुश्किल था कि एक समय में वो भी बहुत खूबसूरत और यंग हुआ करती थी। क्यों ऐसा बोला है राइटर ने? राइटर ने ऐसा इसीलिए बोला है क्योंकि जब से उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को देखा है वैसे ही ओल्ड वुमेन की तरह देखा है। हिज ग्रैंड फादर्स पिक्चर हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम। जो उसके दादाजी हैं उनकी जो पिक्चर है वो कहाँ थी? उनके ड्राइंग रूम में एक मेंटल पीस था, उसके ऊपर टंगी हुई थी। ग्रैंडफादर को भी चैप्टर में डिफाइन किया गया है। उनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी जो कि छाती तक आती थी और वो बहुत ही क्या थे, ठोस किस्म के व्यक्ति थे। नेक्स्ट जो चीज आएगी, लुक्ड टेरिबली ओल्ड। राइटर्स ग्रैंड मदर वॉज शॉर्ट लेडी। राइटर की जो ग्रैंड मदर थी वो छोटी लेडी थी, उनकी हाइट छोटी थी। शी वॉज फैट, वो बहुत मोटी थी एंड स्लाइटली बेंट, क्योंकि वो ओल्ड थी तो वो थोड़ी सी झुकी हुई थी। शी हैड रिंकल्ड फेस, उनके फेस पे झुरियां पड़ी हुई थी। शी लुक्ड वेरी ओल्ड, और वो बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग लगती थी। शी लुक्ड द सेम फॉर 20 years, और वो 20 साल से, पिछले 20 साल से राइटर को सेम ही दिखती थी। शी कुडंट वॉक स्ट्रेट, वह सीधा नहीं चल सकती थी। शी होबल्ड अबाउट दी हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ, वो घर में सफेद कलर के कपड़ों में घूमती थी। शी हैड टू कीप हर वन हैंड ऑन हर वेस्ट, वो अपने एक हाथ को अपनी कमर पे रखती थी। इट वॉज अ बैलेंस हर स्टूप, क्यों रखती थी? ताकि वो अपने झुके हुएपन को, जो वो स्लाइटली बेंट थी, उसको सपोर्ट कर सके। She had a rosary in the other hand, और दूसरे हाथ में उनके पास क्या थी? रोजरी थी। She was always telling the beads, और वो जयमाला जपती रहती थी, भगवान को ही हमेशा याद करती रहती थी। Her silver locks scattered over her pale face, और जो उनके बाल थे सिल्वर कलर के, whitish silver जो हो गए थे, वो उनके पीले पड़े फेस पे हर जगह फैले हुए थे। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उनके लिप्स हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा प्रेयर करती रहती थी। शी गेव अ पिक्चर ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट, हालांकि वो सुंदर नहीं थी राइटर के अकॉर्डिंग, वो उन्होंने कभी उसको ब्यूटीफुल नहीं देखा, लेकिन अगर आप उनको देखोगे तो आपको शांति मिलेगी, उनके अंदर एक डिवाइन ब्यूटी थी। नेक्स्ट जो आता है, एज अ क्लोज फ्रेंड। अब नरेटर ने दूसरा जो सेक्शन दिया है वो दिया है एज अ क्लोज फ्रेंड।
नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स. जो नरेटर था वो और उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो क्या थी, गुड फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे दोस्त थे. हिज पेरेंट्स हैड लेफ्ट हिम विद हर. उनके पेरेंट्स उसको उनके पास ही छोड़ के चले गए थे. दे वर ऑलवेज टूगेदर. और दादी और पोता हमेशा साथ में रहते थे. शी यूज टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग. वह उसको सुबह उठाती थी. शी गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल. स्कूल के लिए तैयार करती थी. शी हैड हर मॉर्निंग प्रेयर इज अनचेंजिंग सॉन्ग. और उनके वो जो सुबह की प्रेयर होती थी, भगवान की पूजा करती थी, वह भी सिंग गाना गाते हुए करती थी. शी वुड वॉश हिज वुडन स्टेल एंड प्लास्टर इट विद येल्लो चौक. वो अपने स्लेट पे स्टेल को, वुडन स्टेल को धोती थी और उसको येल्लो चौक से क्या करती थी, प्लास्टर करती थी. शी वुड टेक एन अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन. उनके पास एक अर्दन इंक पॉट था और एक रेड कलर का पेन था. शी वुड टाई देम इन अ बंडल एंड हैंड इट टू देम. और जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता था तो उनको क्या करती थी, एक साथ बांध देती थी और अपने पोते को दे देती थी. शी वुड गिव हिम अ थिक स्टेल चपाती. और वो एक मोटी क्या देती थी, मोटी रोटी देती थी विद अ लिटिल बटर. उस पे थोड़ा सा मक्खन होता था और शुगर, चीनी होती थी. शी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग. और वो और रोटियां भी अपने साथ लेके जाती थी, किसके लिए, अपने गांव के डॉग्स के लिए. वेंट टू स्कूल विद द नरेटर. अब नेक्स्ट जो आता था, जब उन्होंने उसको उठा दिया, तैयार कर दिया, रोटी खिला दी, ब्रेकफास्ट करा दिया, उसके बाद द ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद नरेटर. नरेटर के साथ हमेशा वो स्कूल जाती थी. क्यों जाती थी, क्योंकि स्कूल वॉज अटैच टू टेम्पल. स्कूल जो था मंदिर से जुड़ा हुआ था. देर इज अ प्रीस्ट टॉट द चिल्ड्रन द अल्फाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर. वहाँ पे एक प्रीस्ट था, पंडित जी थे, पुजारी जी थे, जो चिल्ड्रन को अल्फाबेट्स और सुबह की प्रेयर याद कराते थे. The children sat in the row on either sides of the temple and sang alphabet and prayer in the chorus. और जो children थे वो दोनों तरफ बैठ जाते थे और alphabet और prayer बोलते थे एक लय में. The grandmother sat inside the temple. और grandmother कहाँ चली जाती थी, temple में चली जाती थी. She spent her time in reading holy books. और वो अपना time कैसे spend करती थी, जितने time तक उनका grandson school में होता था वह कोई भी holy book पढ़ के अपना time स्पेंड करती थी. शी वुड वॉक बैक होम विद हिम. और जब उनके स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो वह भी उनके साथ घर आ जाती थी. द विलेज डॉग्स वुड गैदर एट द टेम्पल डोर. जब वो स्कूल से निकलते थे घर आने के लिए तो जो गांव के डॉग्स थे, विलेज डॉग्स थे, वो टेम्पल के डोर पर, मंदिर के दरवाजे पर आ जाते थे. दे ग्रोल्ड एंड फॉट फॉर द चपाती थ्रोन टू देम. और वो गुर्राते थे, लड़ते थे कि जो चपाती वो देती थी कि वो उनकी है. नेक्स्ट जो आता है, अ टर्निंग पॉइंट. अब उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, अब उनकी दो फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया. कैसा टर्निंग पॉइंट आया, द नरेटर्स पेरेंट टेक देम इन द सिटी. अब नरेटर्स के पेरेंट उनको कहाँ ले गए, सिटी में ले गए. इट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप. ये जो था ये क्या था, एक बदलाव का पॉइंट था उनकी फ्रेंडशिप में. दे शेयर द सेम रूम. वो सेम रूम तो शेयर करते थे. हिज ग्रैंड मदर नो लॉन्गर वेंट टू स्कूल विद हिम. वो उसकी ग्रैंड मदर स्कूल नहीं जाती थी उनके साथ. क्यों, क्योंकि गांव में तो मंदिर था स्कूल के साथ, लेकिन शहर में ऐसा नहीं था. द नरेटर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल बाय अ मोटर बस. और अब पहले जो पैदल वो जाती थी छोड़ने, लेकिन अभी वो किससे जाता था, इंग्लिश स्कूल मोटर बस से जाता था. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट. और सड़कों पर कोई भी डॉग्स नहीं थे. द ग्रैंड मदर टुक टू फीडिंग दी स्पैरोज. अब ग्रैंड मदर ने दूसरा तरीका अपनाया कि ऐसे तो मेरा टाइम स्पेंड होता नहीं है, चलो मैं कुछ अच्छा काम करती. तो उन्होंने स्पैरोज को, चिड़ियाओं को खाना खिलाना दिया. ऐसे कई साल बीत गए. दी ग्रैंड मदर एंड दी ग्रैंड सन सो लेस ऑफ ईच अदर नाउ. और अब वह एक दूसरे को देख बहुत कम ही देख पाते थे. शी हेटेड इंग्लिश वर्ड्स एंड साइंस. उनको इंग्लिश से नफरत थी और साइंस से भी. शी फेल्ट सैड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स एट द न्यू स्कूल. उनको गुस्सा आता था, उनको बुरा लगता था कि नए स्कूल में भगवान के बारे में और हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारे देव स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई भी नई चीज नहीं सिखाई जाती है. She didn't like music lessons being given in the school. और उनको जो स्कूल में न्यू म्यूजिक सिखाया जाता था वो भी पसंद नहीं आता था. He thought music quite indecent. उनको लगता था कि वो म्यूजिक अच्छा नहीं है. It was only good for the prostitutes and beggars. वो ऐसा सिखाते हैं जैसे कि आप किसी गरीब आदमी को गाना सिखा रहे हो. तो ये उनकी लाइफ का सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट था. बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोकन. अब बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप कैसे टूट गई, ये तो टर्निंग पॉइंट आया था कि थोड़ी दूरी आई थी, अब वो टूट ही कैसे गई थी. जब उनकी पढ़ाई खत्म हुई तो उन्होंने यूनिवर्सिटी जाने का डिसाइड किया. द नरेटर वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी. He was given a room of his own. अब उनको अपना खुद का कमरा मिला. जो पहले उनका सेम रूम था अब उनको अलग से अपना कमरा दिया गया.
द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन, जो कि एक कॉमन लिंक था कि वह सेम रूम शेयर करते थे, अब वह भी नहीं रहा तो कॉमन लिंक जो उनकी फ्रेंडशिप का था वो भी क्या हो गया, टूट गया. द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली, और उसकी ग्रैंड मदर ने ये अकेलापन आराम से एकदम शांत से क्या कर लिया, अपना लिया. शी ऑलवेज वॉज बिजी विद हर स्पिनिंग व्हील, वे अपने चरखे के साथ हमेशा बिजी रहने लगी. शी टॉक्ड रेयरली, वह बहुत कम बात करने लगी. शी रिलैक्स्ड ओनली इन द आफ्टरनून, वह सिर्फ और सिर्फ दोपहर में आराम करने लगी. चिड़ियों को खाना खिलाने लगी और बरांडा में अपने बरांडे में बैठने लगी. शी ब्रोक द ब्रेड इंटू लिटिल बिट्स एंड थ्रू देम टू स्पैरोज, वह ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी और स्पैरोज को खिलाती थी. हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज कलेक्टेड अराउंड हर, और जब वह ऐसा करती थी तो हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज आ जाते थे उनके अगल बगल. दे क्रिएटेड अ हेल ऑफ नॉइज, और वो इतना चिप करते थे ची 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 की बहुत ज्यादा तेज आवाज हो जाती थी. सम केम एंड सैट ऑन हर लग, कुछ आते थे उनके पैरों पे बैठते थे, कुछ आते थे उनके कंधे पे बैठते थे, लेकिन वह कभी भी उनको दूर नहीं भगाती थी. यही एक सबसे हैप्पी आर होता था, हैप्पी हाफ आर होता था ग्रैंड मदर की लाइफ में, कब जब उनके फ्रेंडशिप टोटली ब्रेक डाउन हो गई थी अपने ग्रैंड सन से. नरेटर गोज अब्रॉड, अब जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आए तो उन्होंने डिसाइड किया कि वे हायर स्टडीज के लिए कहाँ जाएंगे, अब्रॉड जाएंगे. द ग्रैंड मदर वॉज नॉट अपसेट, ग्रैंड मदर दुखी नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी उनका फ्रेंडशिप बॉन्ड टूट चुका था. शी केम टू लीव हिम एट द एयरपोर्ट, शी केम टू लीव हिम एट द रेलवे स्टेशन, ग्रैंड मदर आई कहाँ पे उसको रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप करने. शी डिडंट शो एनी इमोशन, उन्होंने कोई भी इमोशन शो नहीं किया. She kissed her forehead silently, उन्होंने उसके forehead पे प्यार भरा किस दिया. The narrator thought that was the last sign of physical contact between them. Narrator को ऐसे लगा कि ये उनके और उनकी grandmother के बीच का last sign है जो कि physical contact है. उनको ऐसा लगा कि मैं कितने साल बाद आऊंगा, मेरी grandmother मेरे साथ होंगी या नहीं, उनको कोई भी अंदाजा नहीं था. फिर क्या होता है, सेलिब्रेटेड दी होम कमिंग ऑफ ग्रैंडसन, जब 5 साल बाद अब्रॉड से उनका ग्रैंडसन वापस आया स्टडी करके, तो ग्रैंड मदर डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह वैसे की वैसी लगती थी जैसे वो 5 साल पहले लगती थी. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और जैसे ही उनको पता चला कि उनका ग्रैंडसन वापस आ रहा है, उस दिन वह पूजा करना भी भूल गई. शी कलेक्टेड ऑल दी वुमेन्स ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने अपने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया. शी टुक एन ओल्ड ड्रम, उन्होंने ओल्ड ढोलक ड्रम उठाया एंड स्टार्टेड सिंगिंग, और गाना गाना शुरू कर दिया. शी कंटिन्यूड थंपिंग द ओल्ड ड्रम फ्रॉम सेवरल आवर, उन्होंने कई घंटों तक लगातार उस ड्रम को बजाया और गाती रही. दे हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, उन सब ने उनको बोला कि आप बातचीत ना कीजिए, आप अपने आप को थका लेंगे, आप ऐसा मत कीजिए, लोगों ने उनको रुकने के लिए बोला. सिंगिंग एंड बीटिंग ऑफ द ड्रम कुड मेक हर टायर, और जो लगातार गाना और ड्रम बजाने ने उनको क्या कर दिया, थका दिया. फॉर द फर्स्ट टाइम शी फॉरगॉट टू प्रे, और पहली बार ही उन्होंने क्या किया, पहली बार वो भगवान की आराधना करना भी भूल गई. ग्रैंड मदर्स डेथ, अब इसके नेक्स्ट दिन, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ओल्ड लेडी थी और उन्होंने कई घंटों तक ड्रम भी बजाया और सिंगिंग भी की, तो वो इतना थक गई थी कि वो अगले दिन अगली सुबह क्या हो गई, बीमार पड़ गई. शी डिक्लेयर दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने बोला कि अब मेरा अंत पास में ही है. शी डिडंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू देम, और वह और अपना टाइम समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी किसी से भी बात करके. शी ले पीसफुली इन द बेड, और वह आराम से पीस ऑफ माइंड के साथ अपने बेड पे लेट गई. शी कंटिन्यूड प्रेइंग एंड टेलिंग हर दी ब्रेड, और उन्होंने अपनी जो प्रेयर थी वो करती थी हर रोज, वह करनी शुरू कर दी और अपनी माला जपनी शुरू कर दी. देन हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, एकदम से क्या हुआ, उनके लिप्स ने मूव करना बंद कर दिया. द रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो उनकी जपमाला थी वह भी उनके हाथों से छूट गई. शी वॉज डेड. She laid on the ground, उनको ग्राउंड पे लेटाया गया. She was covered with a red shroud, और उनको लाल कफन से क्या किया गया, उनकी बॉडी को ढका गया. Morning of sparrows, अब जब वह संसार छोड़ चुकी थी तो in the evening sun was setting, जब सूरज ढल रहा था, उन्होंने वहाँ जो उनकी फैमिली थी वह वुडन स्ट्रक्चर लाई. They stopped half the way in the courtyard, और वह आधे बरामदे में रुक गए. क्यों रुक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी ग्रैंड मदर की डेथ को मौन करने थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज आए हैं जो उनकी डेड बॉडी के अगल बगल बैठे हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहे, एकदम चुपचाप हैं. हर किसी को उन बर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा सॉरी फील हो रहा था.
नरेटर्स मदर ब्रॉट सम ब्रेड एंड ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स। जो नरेटर की माँ थी वह थोड़ी ब्रेड लाए और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके उन बर्ड्स के आगे डाल दिया, लेकिन बर्ड्स ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड मदर के हाथ से खाना चाहते थे और उस दिन वह क्या कर रहे थे, मौन कर रहे थे द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर। When they carried her dead body outside, जब उनकी डेड बॉडी को बाहर ले जाया गया तो स्पैरो चुपचाप, जो चिड़िया थी वो क्या हुई, वो चुपचाप चली गई वहां से। तो ये थी हमारे चैप्टर की समरी। आई होप आपको समरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में सेम चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।